किसी बीमारी के लिए ली जाने वाली दवा के लिए मरीज के पास क्या चीज़ होनी चाहिए? डॉक्टर नोट्स। किसी बीमारी के लिए ली जाने वाली दवा के बारे में डॉक्टर का हस्ताक्षरित नोट में क्या क्या जानकारी होना आवश्यक है? दवाई का नाम और उसका यूज़ किस लिए यूज़ करनी है और चाहिए। डॉक्टर के पर्चे के बिना विदेश यात्रा में अपने साथ दवाई रखने से क्या हो सकता है? वो इलीगल मानी जा सकती है उस देश में, कंट्री में। मोबाइल ले जाने के बारे में आपको क्या बात पता होनी चाहिए? कि या तो आप अपना खुद का मोबाइल लेकर जाओ वरना रेंट पर ले लो। अपने मोबाइल में किन नंबरों का स्टोर करना आवश्यक है? जो लोकल पुलिस होती है उनके और एम्बेसीज। ट्रैवल चेक से संबंधित किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ट्रैवल चेक के जो नंबर होते हैं उनके नोट्स बनाकर रखने चाहिए। पैसे से संबंधित कानूनों की जानकारी क्यों आवश्यक है? पैसे से संबंधित आधिकारिक विनिमय सुविधाओं का ही उपयोग करना क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुछ देशों में इलीगल हो सकता है। पैसे से संबंधित किन विनिमय सुविधाओं का ही उपयोग करना चाहिए? ऑफिशियल विनिमय। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट के संबंध में क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? उसकी वैलिडिटी, कि वो यात्रा के दौरान ख़त्म ना हो जाए और डेट ऑफ इशू। विदेश यात्रा में पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? 6 महीने। विदेश यात्रा करते समय कौन से दस्तावेज की फोटोकॉपी होनी चाहिए? जो पासपोर्ट, वीज़ा एंड जो भी पर्सनल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके। पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी यात्रा के समय कहाँ रखनी चाहिए? जो ओरिजिनल फोटोकॉपी होती है उनसे अलग, वरना दोनों हो सकती है। विदेश यात्रा करते समय यात्री को किन वस्तुओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए? डिजिटल मोबाइल फोन एंड कैमरा। विदेश यात्रा में तस्वीर, वीडियो या दूरबीन का उपयोग करते समय क्यों ध्यान रखना आवश्यक है? क्योंकि मिलिट्री कैंप के पास इन लोगों को अवैध माना जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को यात्रा से पहले किससे परामर्श करना चाहिए? डॉक्टर से। एक सामान्य गर्भावस्था में कब यात्रा करनी ठीक होती है? इनिशियल डेज। खुले तौर पर किन सामानों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? कैमरा, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन। मोबाइल फोन या डिजिटल कैमरे को रखने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? सूटकेस एंड बैग। यदि आपने घर पर अपना कीमती सामान नहीं छोड़ा है तो उन्हें कहाँ आपको सुरक्षित रखना चाहिए? होटल में। वीज़ा से संबंधित आपको किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? कि जिस देश में जा रहे हो उसके लिए वो सही भी वीज़ा है। विदेश यात्रा में पानी से संबंधित किस बात की जांच करना आवश्यक है? कि जो नल होता है उसका, अगर उसमें गंदा पानी है तो वो नहीं पीना चाहिए, बोतल यूज़ करनी चाहिए। यात्री को यात्रा करते वक्त अपने बैगेज के लिए किस प्रकार की एहतियात बरतनी चाहिए? बैगेज को लॉक करके रखना चाहिए और उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि विदेश में आपकी यात्री के साथ कुछ गलत होता है तो उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किन बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक है? जो वहाँ के लोकल नियम है, रूल्स। कुछ देशों में विदेशी यात्राओं को ड्राइविंग के लिए किस लाइसेंस की आवश्यकता होती है? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। विदेश यात्रा में यात्री को उपहार या पैकेज से संबंधित किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि यात्री चश्मा पहनते हैं विदेश यात्रा के समय उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें एक और एक्स्ट्रा जोड़ी के वो रखने चाहिए चश्मे। विदेश यात्रा में यात्री के पास क्या चीज हमेशा होनी चाहिए? ट्रैवल इंश्योरेंस। देश से बाहर जाते वक्त क्या यात्री को कभी किसी से कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए? नहीं। स्थानीय रीति रिवाजों और पहनावों की जांच करना और उनके अनुसार व्यवहार करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसका उल्लंघन करने पर दंड मिल सकता है, जबकि उनके देश में मायने भी ना रखता। दवाई को किस प्रकार रखना चाहिए? केयरफुली। किसी बीमारी के लिए दी जाने वाली दवा के लिए मरीज के पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? डॉक्टर साइन नोट।
किसी बीमारी के लिए ली जाने वाली दवा के बारे में डॉक्टर का हस्ताक्षर नोट में क्या क्या जानकारी होनी आवश्यक है? मेडिसिन नेम एंड यूज एंड किस लिए ली जा रही है? डॉक्टर के पर्चे के बिना विदेश यात्रा में अपने साथ दवाई रखना क्यों रखना रखने से क्या होता है? वो देश में इलीगल मानी जाती है।